दुश्मन दौड़े जहां हमारा। तो बात क्या है, वो कौन सी बात है जिसके कारण हमारी हस्ती या हमारा अस्तित्व जो है वो मिट नहीं पाया। सभी और आए दुश्मन दौड़े जहां हमारा। कुछ लोग ये जानते हैं कि शायद अंग्रेजों ने हमें गुलाम किया, उससे पहले हम बिल्कुल स्वतंत्र थे, ऐसा नहीं। कुछ लोग ये जानते हैं कि शायद मुगलों ने आके हमें गुलाम बनाया, उससे पहले हम स्वतंत्र थे, ऐसा भी नहीं। सिकंदर से लेके और लगातार अंग्रेजों तक भारत पर आक्रमण होते रहे। कुछ आक्रांता केवल आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि भारत संपदाओं से भरा हुआ देश था, तो उन चीजों को लूटने की दृष्टि से आक्रमण करते रहे। बाद में जब कुषाण वगैरह आए तो उन्होंने भारत को राज्य करने, राजनीति की दृष्टि से भारत पर आक्रमण किया और राज्य किया। बाद में तुर्क आए, अरब आए, उन्होंने भी सारी लूट खसोट मचा के जो अपने यहां प्रतिनिधि छोड़े, उन्होंने भी भारत पर राज्य किया और अपने अपने अनुसार किया। किसी ने तलवार के जोर पे किया, किसी ने मतांतरण के जोर पे किया, किसी ने किसी तरीके से, तो हर व्यक्ति ने उसी तरह से शासन किया। लेकिन फिर भी हमारा अस्तित्व बचा रहा और हम वैसे के वैसे रहे, हम पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। जबकि आप पे कोई एक उदाहरण आप देखेंगे कि अगर वो 10 साल भी किसी की गुलामी में जीता तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता उस व्यक्ति का। लेकिन वो क्या बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, वो मूल बात ये है कि हम जो सांस्कृतिक दृष्टि से बचे हुए थे, सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा जो एक स्वरूप था वो आज भी वैसा का वैसा है। हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो काम करते थे, हम येन केन प्रकारेण आज भी वह काम कर रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश था, आज भी हम बहुधा कृषि प्रधान देश ही है। उद्योग धंधे और ये सारी चीजें एडिशनल जुड़ती जाती हैं, आती जाती हैं, लेकिन मूल अगर उसमें देखेंगे तो हम आज भी कृषि प्रधान देश है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नालंदा, तक्षशिला और कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला इत्यादि भारत में प्राचीन काल में थी। लोग भारत से ज्ञान लेने के लिए यहां आते थे। आज हम सुनते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा या और मध्यकाल में लोगों ने कि भारत भारतीयों को तो कभी ना तो इतिहास लिखने की कोई परंपरा थी, ना वे कुछ जानते थे, ना पढ़े लिखे थे, वो तो जंगली थे। और हमने ये मान लिया क्योंकि लगभग 70-75 वर्ष हमने यही पढ़ा, यही सुना और इसी को सीखते हुए हम बड़े हुए। तो हमारे अंदर ये भर दिया गया कि हम कुछ जानते ही नहीं थे, जबकि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, ये सारी की सारी चीजें, इनमें अथाह ज्ञान भरा हुआ है और हर तरह का, इसमें राजनीतिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, तरह तरह का ज्ञान है जो व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर पूरा फोकस करता है, पूरा प्रकाश डालता है। एक बहुत छोटी सी चीज, कई लोग मनुवादी व्यवस्था के गालियां देते रहते हैं या उसको झुटलाते रहते हैं। हकीकत यह है कि मनु को उसने पढ़ा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, और हम बिना पढ़े लिखे जाने बस गालियां दे रहे हैं, क्योंकि सामने वाला दे रहा है इसलिए हम भी दे रहे हैं। मनु ने जो वर्ण व्यवस्था दी वो प्राचीन अलिखित संविधान था। हम आज जो आधुनिक भारत में संविधान देखते हैं जो हमारे परम पूज्य अंबेडकर जी ने हमें दिया, बाबा साहब ने हमें दिया, उसमें भी 4 पद ही हैं, प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी अधिकारी। यदि आप एक महाविद्यालय की दृष्टि से देखेंगे तो जो प्राचार्य पद है वो प्रथम श्रेणी अधिकारी का है, जो शिक्षकों का है वो द्वितीय श्रेणी अधिकारी है, जो बाबू इत्यादि ऑफिस में काम करते हैं वो तृतीय श्रेणी है, और जो कर्मचारी हैं जो घंटी बजाते हैं, पानी पिलाते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो चतुर्थ श्रेणी। ये 4 ही श्रेणी प्राचीन काल में थी, जिनको हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा। ये जातियां नहीं है, इनको जातियों से न माने, ये पद थे। और जब हम प्राचीन उस सांस्कृतिक परंपरा को जीते रहे तब तक हम समृद्ध रहे और हमें कोई कभी पराभव नहीं कर पाया। लेकिन कालांतर में राजनीतिक विद्वेषों के कारण हमने उन सारी प्राचीन परंपराओं को चोटिल करना शुरू कर दिया जो हमारे अस्तित्व को आज तक बचाए रखी थी। तो जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, जब तक हम जान नहीं रहे, तब तक केवल सुनी सुनाई बातों पर किसी का अनुसरण करना, यह हमें सिर्फ और सिर्फ पतन की ओर ले जाता है। जिस समय राष्ट्रीय सेवा योजना का निर्माण हुआ, महात्मा गांधी के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार के तत्कालीन,
तत्कालीन जो व्यक्ति थे, जो चिंतक थे, उन्होंने ये सोचा कि महाविद्यालय स्तर पर, पहले स्कूलों में नहीं थी, महाविद्यालय स्तर पर एक कोई ऐसी योजना चलाई जानी चाहिए जिससे बच्चे जो हैं अपने उस प्राचीन गौरव को सीख सकें। पहले प्राचीन परम जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आश्रमों में होती थी, आश्रमों में व्यक्ति का पूरा डेवलपमेंट होता था, और उन्हीं आश्रमों के माध्यम से जो भारत में जितने भी आविष्कार हुए वो उन्हीं में पढ़े हुए व्यक्तियों ने किए। यदि हम महाभारत को उठा के देखें तो जो संजय का रूप था, संजय क्या था, वो इंद्रप्रस्थ में बैठ के कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहा है, और धृतराष्ट्र पूछता है माम का पांडवा शैव किम करोति संजय, मेरे और पांडवों के पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं, और वो वहीं बैठे बैठे, क्योंकि उसकी दूरदृष्टि थी, वो उस दिव्य दृष्टि से देख सकता था कि कुरुक्षेत्र में इस समय क्या हो रहा है, तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है, उसने तलवार निकाल ली, उसने उसका गर्दन काट दिया, वॉट एवर इट इज। अब हम विचार करें कि आज हम जिस दूरदर्शन की बात करते हैं, इस देव सेमिनार की बात करते हैं, इसका जन्म तो बहुत पहले हो गया था, और बेतार के तार तो समय भी कोई केबल नहीं खींच के लाए थे कि सर संजय के घर तक लगा दिए उन्होंने, तो वो दूरदृष्टि, भारत इतना एडवांस था कि बैठे बैठे ये बता सकता था कि कहां क्या हो रहा है। और पहले चले रामायण काल में देखें तो जो रावण के पास विमान था, पुष्पक विमान, वो मन की गति से चलता था। आज तक संसार में ऐसा कोई विमान नहीं बना जो मन की गति से चलता है, या मन की गति से या मन से सोचने से उसका आकार और प्रकार बड़ा और छोटा होता हो। हम आज अगर बड़ा विमान लेंगे, भारत पर बड़ा विमान भी है और छोटे टू सीटर विमान भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, लेकिन उस समय वो अकेला पुष्पक विमान ऐसा था जो एक राजा की चतुरंगिणी सेना को उसमें बिठा के ले जा सकता था और पलक झपकते पहुंचता था। यानी विमान की परिकल्पना भी भारत में ही थी, और उसी के आधार पर कालांतर में खोज होती गई तो सामने हमारे विमान आए। तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, यदि हम पीछे मुड़ के देखेंगे, पीछे अपने इतिहास को, और ये केवल कहानी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई कहानी कह दी कल्पना करके, ये वास्तविक सत्य है। राम सेतु की बात नासा भी स्वीकार कर चुका है, भले ही हमारे राजनीतिक दलों ने उसके होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि राम तो एक काल्पनिक चीज है, और अभी राम मंदिर बन रहा है उसमें कितने सारे एविडेंस मिले पुरातात्विक। हम इतिहास को झुटला नहीं सकते, हम इतिहास को बदल नहीं सकते, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। अब इस सत्य के आधार पर राष्ट्रीय सेवा योजना कैसे भारत के निर्माण में एक योगदान देती है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जब इस योजना का निर्माण हुआ तो पहले 40,000 विद्यार्थियों पर पूरे भारत में एक प्रयोग किया गया कि देखें इसके क्या परिणाम निकलते हैं और तब इसको आगे बढ़ाएंगे। और उस समय जो शुरू हुई थी 24 सितंबर 1969 को ये योजना, जिसकी कल्पना 2 अक्टूबर को की गई थी, आज ये दुनिया का सबसे बड़ा यूथ संगठन है, और इसके बहुत सारे, कई सारे और नवीन इसमें प्रयोग लगातार होते जा रहे हैं, लगातार होते जा रहे हैं। यानी हम कोई कुंड नहीं है कि एक हमारी योजना 69 में बनी तो हम उसी योजना पे वहीं बैठे रहे, समय समय पर इसमें किस तरह से व्यक्तित्व के निर्माण में और आगे काम हो वो इसमें जुड़ता गया। तो इसका जो लक्ष्य पहले रखा गया था, जो विद्वानों ने रखा, उस समय के जो तत्कालीन मनीषी थे उन्होंने रखा, तो इसका लक्ष्य था शिक्षा द्वारा समाज सेवा और समाज सेवा द्वारा शिक्षा। व्यक्ति की शिक्षा, आप सभी लोग बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, आप पढ़ने के बाद समाज में जाएंगे, तो जो आप यहां एमएससी बीएससी कर रहे हैं ये समाज में कहीं काम नहीं आने वाला है, ये काम क्या आएगा, आपकी व्यवहारिक ज्ञान काम आने वाला है। तो व्यक्ति केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, व्यवहारिक ज्ञान उनको आए, यह बहुत बड़ा काम राष्ट्रीय सेवा योजना का ये मंच करता है। और इसीलिए इसका जो उद्देश्य है वो समाज सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है। आमतौर पर जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो वो कई सारे कामों को, जो श्रम से संबंधित काम है, उनको हीन भावना से देखता है, या ये समझता है ये हमारे मतलब का नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती वो करता है। महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर को उनकी जयंती है, महात्मा गांधी स्वयं कहते थे
कि व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। वे अपने बाथरूम को स्वयं साफ करते थे, वो अपने स्वयं के काम स्वयं करते थे, वो कस्तूरबा से भी नहीं कराते थे, अपनी पत्नी से भी नहीं कराते थे, वो स्वयं अपने हाथ से अपने काम करते हैं। और अगर हम गांव में देखें तो आज भी कहावत है कि अपना हाथ जगन्नाथ। और कुछ लोग गांव में जाएंगे तो कई कहावतें हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मम भुजबलिया भैर बराबर, मैंने अपनी भुजाओं के आधार पर ये चुनौती स्वीकार की है तो मुझे दूसरों के कंधे की आवश्यकता नहीं। तो ये सेल्फ डिफेंस जो है ना, ये तभी आएगा जब आप आत्मनिर्भर होंगे। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का मंच आपको बहुत ज्यादा ऐसे अवसर देता है जिसमें आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हम जो शिविर लगाते हैं, शिविर की एक दिनचर्या होती है, उसमें बच्चों से विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जाते हैं और इन्हीं कार्यों में से जो उसका रुचि का कार्य होता है वो आगे बढ़ जाता है उन कार्यों में लेके। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं अपने शिविरों के आधार पर। जब मैं शिविरार्थी था और ये 88 के आसपास की बात है, और मैं बरई गांव में गया था। बरई गांव में जो वो शिविर था उसमें 150 बच्चे थे, 3 यूनिट हुआ करती थी उस समय माधव कॉलेज में, और 150 बच्चों में मैं पायदान का सबसे नीचे का व्यक्ति था। इतने एक से एक व्यक्ति उसमें थे, मैं उसमें सबसे नीचे का व्यक्ति। मुझे सीखने की बहुत उसमें गुंजाइश थी। पहली बार मैं घर से बाहर निकला था, मेरा ग्रामीण परिवेश से मैं हूं लेकिन मेरा जन्म शहर में हुआ, मैं पढ़ा शहर में, मैं कभी गांव गया नहीं, तो मेरे लिए गांव में रुकना असहज था। पहले 2 दिन मुझे बहुत दिक्कत आई, लेकिन जब मैं उस व्यवस्था में ढला और जब मैंने उस व्यवस्था को जिया तो मैं आज आपके सामने बैठ के बात कर, वो 150 बच्चों में सबसे नीचे का, सबसे निचले क्रम का मैं था। और जब मैं ये बैच लगाए हुए, आज महाविद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ था तो मेरा स्वागत किया तो मैंने निकाला नहीं क्योंकि एनएसएस के कार्यक्रम में यहां आया। ये बैच लगाने के लिए जो कार्यक्रम अधिकारी हुआ करते थे वो उन बच्चों को लेते थे जो सक्रिय होते हैं या लाइमलाइट में रहते हैं, तो उनको बुला के वो अतिथियों को बैज लगवा, क्यों बैज और डायरी से एनएसएस में स्वागत होता है, फूल पत्ती हार माला से नहीं होता। तो वो मैं कई बार अपने पैरों के ऊपर बैठ जाता था कि शायद मुझे मौका मिले, लेकिन मौका तो तब मिलेगा जब आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी, क्योंकि अभी आप एक भीड़ के एक व्यक्ति मात्र हैं, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो सीनियर छात्र थे, जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी थे, जिस तरह की एक पूरा स्वरूप था, उस स्वरूप ने सब कुछ बदल दिया। मैं बड़ा अंतर्मुखी टाइप का विद्यार्थी था, घर में 3रे नंबर का विद्यार्थी बच्चा था, तो आप समझ सकते हैं जो भी 3रे नंबर पे उसकी क्या पोजीशन हो। तो बड़े भाई आदेश दे रहे हैं, छोटे भाई काम नहीं करेंगे तो बीच के आप ही को सब कुछ करना है। लेकिन उसके बाद उस शिविर ने, उस राष्ट्रीय सेवा योजना के उस शिविर ने स्वयं को खोजने का अवसर दिया कि मैं क्या हूं। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां शायद आपने भी सुनी हो कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं से। कौन थे हम? अगर राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो हम स्वर्णिम भारत थे, सोने की चिड़िया थे। क्या हो गए? परतंत्र हो गए। तो परतंत्र जब हम होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कोई कमजोरी रही होगी। और क्या होंगे अभी, आज इन वर्तमान परिस्थितियों में हम क्या होंगे? आज आप पाकिस्तान को देखें, विभिन्न देशों से दोनों देश एक साथ बने, जितना तत्कालीन समय पे बंटवारा होना था वो बंटवारे का हिस्सा भी उनको मिला, बाद में महात्मा गांधी जी ने कुछ और भी दिलवाया, इसके बाद भी आज पाकिस्तान का खड़ा है और भारत का खड़ा है। जब तक आपकी दृष्टि सकारात्मक नहीं होगी आप कुछ प्राप्त करने वाले नहीं। तो पहले तो हमें सकारात्मक भाव लाना है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रीय सेवा योजना का ये सबसे बड़ा गुण है क्योंकि इसमें हम आत्म अनुशासित होते हैं, इसमें हमें कोई आदेश नहीं देता है, हम आत्म अनुशासित होते हैं। तो सबसे बड़ा गुण हमारा जो है आत्म अनुशासन का है। नकारात्मक हमारे अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, हर चीज में सकारात्मकता देखना। मैं एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि गिलास में आधा पानी है, तो कुछ लोगों की दृष्टि होती है अरे साहब आधा पानी है, ये क्या पानी दिया, और कुछ लोग कहते हैं अरे वाह आधा पानी है, मजा आ गया, चलो आधा पानी तो है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि गिलास तो पूरा भरा है, आधा तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें आधा पानी है आधी हवा है। ये है सकारात्मकता। आप उस व्यवस्था को किस दृष्टि से लेते हैं,
तो उस राष्ट्रीय सेवा योजना के उन सारे कामों को, बहुत से बच्चे आज भी, मैं भी चूंकि शिविर से जुड़ा हूं लगातार 30-32 साल मुझे एनएसएस से जुड़े हो गए, मैं देखता हूं बहुत से बच्चे केवल दिखाने के लिए या आजकल तो मोबाइल चल गए, सेल्फी चल गई है, तो फोटो खिंचाने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना में आते हैं, वो जीवन में कभी प्राप्त कुछ नहीं करते। आप जब तक इसको भाव को जिएंगे नहीं, जैसे हम जब बरही में गए तो हमें एक प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि रोजाना श्रमदान होता था, एक गांव का बड़ा खंडर टाइप का मंदिर था, इस मंदिर की पुताई उताई करनी है और इसको जीर्णोद्धार करना, तो गांव के ही लोगों से चूना पानी ईंट जो भी कुछ थी लेके काम किया हमने, और पहली बार जीवन में मैंने कुछ ही लेके पुताई की, कलई से हाथ वाथ भी फटे थे, पहली बार की, और जब मैंने वो पुताई की बड़ा आनंद आया, मैंने कि ये तो मैं भी कर सकता हूं घर पे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2010 तक जब तक मेरा नया मकान नहीं बना, पुराने मकान में अपने रूम की पुताई मैं ही करता था, पिताजी नाराज होते थे, भाई नाराज होते थे, वो ये कहते कंजूस है, पैसा बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने एक बार एक पुताइये को दिया काम, लेकिन उसने इतना बेतरतीब तरीके से किया, वो उसके ब्रश के निशान आ रहे थे, तो मैंने उससे भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तो बोले अरे भाई साहब वो तो ऐसी है जो दीवार है पुरानी है, ये छत ऐसी है पत्थर की है फलाने निमका, तो मैंने कहा देख भाई मैं तेरे को बताता हूं, मैं तो हर साल पोत रहा हूं इसको, मैं ऊपर ड्रम के ऊपर चढ़ के मैंने पोता एक कोना, और मैंने कहा देख अब इसको, तो बोला भाई साहब आप लोग पढ़े लिखे हो इसलिए आप ज्यादा अच्छा कर सकते। मैंने बताइए कितना दुर्भाग्य है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा अच्छे कर सकते हैं, जो जिस काम को कर रहा है वो ज्यादा अच्छा कर सकता है। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि हम जो भी काम कर रहे हैं जब तक उसमें हम पूरे मनोयोग से नहीं जुड़ेंगे, उस काम में जब तक हम दिलचस्पी नहीं लेंगे, प्रसन्नता से काम नहीं करेंगे, तब तक वो काम परिणाम देने वाला नहीं होगा, तब तक उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना में इस प्रकार से व्यक्ति को स्वयं की मदद करना सिखाते थे, परिस्थितियां पता नहीं कब कैसी आ जाए। राजा रामचंद्र तो इतने बड़े राजा थे, बड़े युवराज थे, लेकिन मौका लगा वे जंगलों में गए। अगर वो जंगलों में रहने की तरकीब उन आश्रमों में नहीं सीखते तो क्या सरवाइव कर पाते, नहीं। कृष्ण के साथ भी यही है, महावीर के साथ भी यही है, बुद्ध के साथ भी यही है। आप जिन महापुरुषों को देखेंगे, आप अंबेडकर जी को लीजिए वर्तमान में, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरह के सामाजिक संकटों से निकले वो, कैसे निकल के आए, लेकिन सकारात्मक भाव, सकारात्मकता से। आज बहुत से लोग हैं अंबेडकर की कसमें खा के लाभ ले रहे हैं, लेकिन वो अंबेडकर का निमिष मात्र भी अपना नहीं रहे। आज बहुत से लोग हैं जो गांधी के नाम पे लाभ ले रहे हैं, लेकिन गांधी को 1% स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत से लोग हैं जो विवेकानंद के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, संस्थाएं चला रहे हैं, लेकिन विवेकानंद को 1% भी जी नहीं रहे। हमारे साथ दुर्भाग्य है कि हम राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते। जिस दिन हम राम की मानने लगेंगे उसी दिन से हमारा कल्याण होने लगेगा और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। एक और छोटा उदाहरण दो, उस शिविर में एक शिविर समाचार पत्र चलता था राष्ट्रीय सेवा योजना, और बड़े सीनियर सीनियर छात्र उसको लिखते थे, कौन आज आया, क्या बोला, कौन अतिथि आया, तो वो डायरी पेन लेके बैठते थे, उससे पहले मैं जानते ही नहीं था क्या होता है, मैं देखता रहता था उनको, और फिर वो दूसरे दिन उसको टांगते थे कि कल हमारे शिविर में क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, कौन आने वाला। उस अखबार के लिए जो शिविर समाचार दर्पण था उसमें मैंने भी कोशिश की कि कुछ लिखूं, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हें नहीं है। लेकिन मैंने उससे भाव सीखा, क्योंकि सब सीनियर और वरिष्ठ लोग थे और निश्चित रूप से मेरी दाल गलनी नहीं थी। चूंकि मैंने उसका तरीका सीख लिया था, तो जब मैं शिविर से लौट के आया तो मैंने दैनिक भास्कर में उस शिविर का पूरा समाचार दिया कि छात्रों ने, माधव कॉलेज के छात्रों ने चलाया बरही गांव का जीर्णोद्धार, चलाई बड़ी बरही गांव के जीर्णोद्धार की पहल, और उसमें 4 कॉलम का समाचार था, उसमें मेरा नाम नहीं था लेकिन 4 कॉलम का समाचार था, और वो आंचलिक समाचारों में प्रकाशित हुआ। जब मेरे कार्यक्रम अधिकारी और उनको मालूम चला तो उन्होंने कुलपति उस समय तिवारी जी थे उनसे मेरा परिचय कराया, और तब मुझे ये मालूम चला इसी माधव महाविद्यालय के इन्हीं एनएसएस के शिविरों से आज हम देखते हैं भाई लोकेन्द्र पाराशर जी को, आप मेरे ख्याल से आप लोग सभी परिचित होंगे, वो इसी एनएसएस के विद्यार्थी थे और यहीं से उन्होंने पत्रकारिता सीखी, उसी शिविर समाचार दर्पण। संजय तोमर और ऐसे तमाम विद्यार्थी जो यहां से निकले और आज पत्रकारिता जगत में तूफान मचाए हुए,
और मैंने यहाँ ये सीखा तो मैंने भी जर्नलिज्म किया, तो मैं इसी लाइन में जाना चाहता था, टीचिंग लाइन में, तो एक्सीडेंटल हूँ मैं। लेकिन अब आ गया तो फिर जहाँ अपन आए हैं वो करना पड़ेगा। मुझे पढ़ाई लिखाई से बड़ी बहुत ज्यादा स्नेह कभी नहीं था, मैं बहुत औसत दर्जे का विद्यार्थी था और घर में पिटपिटा के पढ़ गया। लेकिन अब वो जब इसमें आ गए तो जिन किताबों से भागते रहे जीवन भर, वही किताबें हिस्से में आ गई। आज 5-6 किताबें भी लिख दी, एमफिल, पीएचडी और न जाने क्या क्या कर ली। कहने का मतलब जब तक हम भागते रहेंगे चीजों से, शॉर्टकट अपनाएंगे, हमें कुछ मिलने वाला नहीं। हमें समस्याओं से भागना नहीं है, उनका सामना करना है। और जब हम समस्याओं का सामना करना सीख जाएंगे तो हम निश्चित रूप से उससे सफलता प्राप्त करेंगे। इसी कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि आपदा में अवसर तलाशना। तो आपदा में अवसर, हम आप दोनों बातें कर रहे हैं, हम सभी लोग यहां बातें कर रहे हैं, ये आपदा में अवसर है। इससे पहले मेरे ख्याल से सभी लोगों के पास मोबाइल थे और एक आध दो लोग वीडियो चैट करते थे, अदरवाइज सब मोबाइल पे, फोन पे बात करते थे या फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते थे। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि जूम ऐप के माध्यम से इस तरह से मीटिंग हो सकती है। मैंने इसी आपदा में अवसर के अंतर्गत कम से कम 4-5 सेमिनार स्वयं अरेंज किए और कम से कम 30 सेमिनारों में मैंने भाग लिया, जिनमें मैं शायद कभी नहीं जा पाता, पूरे जीवन में नहीं जा पाता। बड़ी बड़ी दूर इंटरनेशनल सेमिनार किए और उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ ये हुआ कि ये मानस पटल पे बहुत सी चीजें नहीं आई, जिसमें ऐप भी थी, कोर्स भी मैंने किए 6-6 दिन के, 15-15 दिन के दो। तो हम कहां, हमारी कमी कहां है, हम उसको दूर कैसे करें, रिसर्च में कैसे कमी दूर करें, वो सारी की सारी चीजें यहां सीखने को मिली। एक से विद्वान वक्ता इसमें मिले। और आपको जानकारी दूं, गांधी जी के जो पोते राजमोहन गांधी जी, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी वेबिनार में थे और मैंने एक क्वेश्चन, जैसे चैट बॉक्स में इसमें आप लोगों में से भी शायद कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे, कुछ अपने नमस्कार चमत्कार कर रहे होंगे, तो चैट बॉक्स में मैंने एक प्रश्न छोड़ा उसमें कि क्या कारण है कि गांधी जी सक्रिय राजनीति में नहीं आए। उन्होंने जब वो क्वेश्चन लिया मेरा, मनोज अवस्थी ग्वालियर से पूछ रहे हैं, तो राजमोहन गांधी जी से डायरेक्ट मेरी बात हुई। बोले भैया अब ये तो मुझे पता नहीं कि वो क्यों नहीं उसमें आए, क्योंकि ये तो अब हम जब ऊपर जाएंगे तभी पता चलेगा कि उन्होंने सक्रिय राजनीति स्वीकार क्यों नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा कि बीबीसी को उन्होंने एक बार इंटरव्यू दिया था 1919 में, तब बीबीसी वालों ने पूछा था कि गांधी जी अगर मान लो भारत आजाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो वैसी स्थिति में भारत का प्राइम मिनिस्टर क्या आप बनना पसंद करेंगे, क्या आप ही होंगे? तो गांधी जी ने कहा नहीं, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो गए, आप तो इतनी आंदोलन चला रहे हो और इस समय सर्वमान्य नेता आप ही हो और आपकी बात सब लोग मानते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी अब उम्र हो चली है और इस राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत से नए युवा जुड़े हुए हैं, सरदार पटेल हैं, नेहरू हैं, शास्त्री हैं और तमाम उन्होंने नाम गिनाए कि ये है, इनमें से कोई एक प्रधानमंत्री होगा, मुझे आवश्यकता नहीं। तो बोले हो सकता है ये उनका पहले से ही एक उनके ध्यान में हो या उनका कोई संकल्प हो। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने कभी पद या उसकी लालसा नहीं की, जो काम करना है उस काम को प्राथमिकता दी। तो उस काम पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, एनएसएस के माध्यम से मैं जाता हूँ, प्रशांत जी के शिविरों में जाता हूँ कई बार, मैं पहले भी जाता था जब भटनागर साहब के फार्म हाउस पे कैंप लगते थे, जब बड़ा गांव में पाठक जी कैंप लगाया करते थे या शुक्ला जी कैंप जब लगाया करते थे तब भी मैं जाता था। उस समय के विद्यार्थी और आज के विद्यार्थी में थोड़ा सा अंतर है। उस समय विद्यार्थी चूंकि मोबाइल वगैरह बहुत होते ही नहीं थे तो वो काम के प्रति फोकस ज्यादा करते थे, आजकल मोबाइल के चक्कर में ये सारी चीजें सेकेंडरी हो गई। आज आप लोगों के लिए अवसर बहुत है इसमें, यदि आप विभिन्न माध्यमों से आत्मनिर्भर होते हैं, या आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, या आप बहुत अच्छे कवि हैं, या आप बहुत अच्छे लेखक हैं, तो आपको तमाम अवसर आने वाले हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एनएसएस के माध्यम से राज्य स्तरीय पुरस्कार भी है और राष्ट्रीय पुरस्कार भी है। राज्य स्तरीय पुरस्कार में आप 12,000 रुपए ले सकते हैं, प्रशस्ति पत्र ले सकते हैं और भविष्य में कहीं नौकरी पाने के लिए जाएंगे तो उसके 5 अंक आपको मिलते हैं, वो एडिशनल है। ऐसे ही नेशनल अवार्ड भी ले सकते हैं। हम लोगों के समय में ये कुछ नहीं था, ये 2000 के बाद शुरू हुई परंपरा। तो आप लोगों के लिए अवसर तो बहुत है, पर आप उनमें से कितने प्राप्त करते हैं
मुझे नहीं पता कि पीजीवी कॉलेज में कितने बच्चों को स्टेट अवार्ड मिला है, मुझे जानकारी नहीं है। यदि नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, आपने उसके लिए प्रयास क्यों नहीं किए? आपके यहाँ इतनी समृद्ध यूनिट रही है, इतने अच्छे कार्यक्रम अधिकारी रहे जो पूरी तन्मयता से जुड़े रहे, उसके बाद भी यदि आपके यहाँ स्टेट अवार्ड नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मनिर्भरता में कमी है। आप उसको दूर कीजिए, आप चर्चा कीजिए, हमसे चर्चा कीजिए, आप विश्वविद्यालय में जाके जो समन्वयक महोदय हैं अदालत वाले जी, आप उनसे चर्चा कीजिए, पता कीजिए, क्योंकि काम आप वही सारे कर रहे हैं जो और बच्चे कर रहे हैं, तो आपको भी वो मिलना चाहिए, आपके कार्यक्रम अधिकारी को भी मिलना चाहिए। माधव महाविद्यालय में मैं जब कार्यक्रम अधिकारी था तो मुझे मिला, और अभी संजय पांडे जी को मिला। तो अच्छे काम जो हम कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है नहीं मिलने का, वो मैं बता देता हूं आपको, यही वो कारण है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होना। यदि आपके पास रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं है, अब जैसे हम ये चर्चा कर रहे हैं और ऐसी तमाम चर्चा आप कर रहे हैं, समय समय पर शनिवार रविवार को आप महाविद्यालय में भी कई विद्वान लोग हैं उनके आपको जानकारी मिलती होगी, और भी बाहर से विद्वानों को आप बुला के बौद्धिक सत्र करते हो, लेकिन वन में मोर मची तो किसने जानी। आप इन सारी चीजों को, आपको हमेशा कोई भी चर्चा हो, प्रत्येक विद्यार्थी को कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए, किस व्यक्ति ने क्या कहा, कौन सी चीज अंडरलाइन होगी, किसको हेडिंग बनाएंगे, और उस समाचार को लिख के आपको समाचार पत्रों को देना चाहिए। जब आप समाचार पत्रों को देंगे तो आपके पास एक कलेक्शन होगा, आपके महाविद्यालय का काम कितना हुआ, क्योंकि ये कार्यक्रम हुआ हमें आपको मालूम है, खत्म हो गया। लेकिन जनता को कैसे मालूम चलेगा, जो स्टेट अवार्ड या नेशनल अवार्ड दे रहे हैं उनको कैसे मालूम चलेगा, वो हमारा वो छपी हुई खबर वो बताएगी कि हमने क्या काम किया। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, उसकी रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, प्रतिवेदन बहुत जरूरी है। आप वार्षिक उत्सव जब करते होंगे तो अपने अपने प्रतिवेदन देते होंगे, और उन प्रतिवेदनों के साथ यदि आपको समाचार पत्रों की कतरने अपने जो पुरस्कार वितरण स्थल है वहां यदि उसकी फोटोकॉपी लगा देंगे तो वो चार चांद लगाता है कि इनके विद्यार्थियों ने कुछ किया। आप कई सारे स्कूल देखिए, आज जितने भी स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल, आप उनके देखिए, उनके जो ब्रोशर्स निकलते हैं, जो बुकलेट निकलती हैं, उनमें सब में उनके विद्यार्थियों की उपलब्धियों के फोटो छपे होते हैं, अखबार की रिपोर्ट होती है उसमें कि हम जो काम कर रहे हैं उस सब के। आप अगर कहीं पुरस्कार कोई जीत के आए उसका अखबार में समाचार होना चाहिए, आपके प्राचार्य द्वारा आपको बधाई देते हुए समाचार होना, और वो जब आप कतरन लगाएंगे तो वो महाविद्यालय की भी एक उपलब्धि होगी और आपकी स्वयं की भी उपलब्धि होगी। और इसके लिए आप आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आपकी जरूरतें पिताजी कर देंगे, माताजी कर देंगे, ऐसा नहीं है। आज का काम आज के दिन, ये भी यही एनएसएस सिखाती है, हम भी ऐसे ही हुआ करते थे जैसे सब बच्चे होते हैं, और मेरे ख्याल से बचपन में सभी लोग ऐसे होते हैं, कपड़े उतार के कहीं फेंक दिए, जूते उतार के कहीं फेंक दिए, सारे काम अलग अलग। लेकिन उस कैंप में गए तो पहली बार मालूम चला कि कपड़े की घड़ी कैसे की जाती है, अपने बिस्तर की घड़ी कैसे की जाती है, कैसे रखा जाता है, चोरी नहीं हो जाए तो उसकी संभाल कैसे करनी है, आत्मनिर्भर। और उस शिविर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो इस लॉकडाउन में काम आया। मेरी तो आकाशवाणी पे एक अभी टॉक चली तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने कैसे लॉकडाउन में अपने आप को फिट रखा, क्योंकि सब कुछ बंद था। मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पिछले 10 साल में इस लॉकडाउन से पहले मैं अपनी छत पे एक या दो बार गया हूं, मुश्किल से एक या दो बार, लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे अपनी छत का महत्व तो सिखाया, क्योंकि मैं जो सुबह घूमने जाता था वो बंद हो गया मेरा, परे है वैसे ही, लेकिन मैं जब ऊपर छत पे गया मैंने कहा मैं बेकार जा रहा हूं इधर उधर, तो सुबह 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे, वैसे मैं सुबह केवल 1.5 घंटे जाता था, अब 2 टाइम में 1.5 घंटे 3 घंटे जाता हूं। और आप विश्वास नहीं करेंगे साहब, ये मेरी घड़ी बंधी हुई है, प्रतिदिन 25,000 कदम चलता हूं, 25-26,000 प्रतिदिन, आप मेरा डाटा इसमें देख सकते हैं, कॉलेज आ जाए मैं आपको पूरा रिकॉर्ड बताऊंगा। एवरेज मेरी प्रतिदिन की रनिंग 20 किलोमीटर है और 26,000 स्टेप है मेरे पर डे के, आत्मनिर्भर। नहीं तो अपन व्यवस्था का रोना रोते रहते हैं कि सब कोरोना हो गया, सब बंद हो गया, हम कहां घूमने जाए, एक बात। दूसरी बात, आत्मनिर्भर जो एनएसएस ने क्या दिया हमें, एनएसएस ने दिया, हम जब शिविर में जाते थे तो अपने बर्तन स्वयं साफ करते थे, और मैं सभी लोग
अब शायद आपका विद्यार्थी हूँ, बच्चा हूँ, और मुझे जीवन में कोई काम भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी दो दो बहन, माताजी, भाभियां, तो मैंने कभी घर पे कोई काम नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब मैं कैंप में गया तो मुझे अपने बर्तन मांजने पड़े पहली बार, और मैंने बर्तन मांजा तो मैं, आपको शायद ये मजाक लगे या शायद आप इसमें उपहास करें, मुझे उस शिविर की सबसे नंबर वन अगर गतिविधि कोई पसंद आई तो ये बर्तन मांज नहीं पसंद आई, ये मेरी हॉबी बन गया बर्तन मांज। तो जब तक मेरी शादी हुई कई बार मौका लगता था मैं घर में रगड़ देता था, हालांकि भाभी वगैरह को मालूम चलती, नाराज हो जाती थी, तो मैं सुबह जल्दी उठ के मांज देता, लेकिन वो बंद हो गया शादी के बाद, तो बिल्कुल ही बंद हो गया। लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे फिर वो अवसर दिया बर्तन मांजने का, और मैंने लगातार 3 महीने बर्तन मांजे। जब भाइयां बंद हो गई थी, जो सहायिकाएं थी वो बंद थी, और मिसेज की तबीयत खराब थी, वो पलंग पे थी, क्योंकि उसको सायटिका का दर्द था तो वो उठ नहीं पा रही, तो मुश्किल से खड़ी होके रोटी वोटी बनाते, यही बहुत था। तो उस पीरियड में मुझे 3 महीने बर्तन मांजने का वो आनंद मिला। बाद में मिसेज को लगता था ये मांज रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी एक परंपरा रहती है भारतीयों में कि पति काम कर रहा है पत्नी नहीं कर रही, तो बड़ा शर्मिंदगी इसी को जल्दी जल्दी मांजती थी। स्थिति यह हुई थी कि अगर 2 बर्तन भी रहते थे उसमें वॉश बेसिन में, तो तुरंत कौन पहले मांजता है ये कंपटीशन होने लगा। तो ये आत्मनिर्भरता का ही लाभ है, अदरवाइज मैं सर पकड़ के बैठ जाता कि अब मैं क्या करूं, पत्नी बीमार है और मेरे बर्तन कौन मांजेगा। मैंने कपड़े भी धोए, मैंने झाड़ू पोछा भी किया, मैंने बर्तन भी किए, और मुझे निमिष मात्र भी बिल्कुल कोई कष्ट नहीं हुआ, जबकि मैंने ये सारा काम 30 साल बाद किया, क्योंकि वो अनुभव था मेरा एनएसएस का। उस अनुभव से ये एनएसएस हमें खाना बनाने से लेके सारी चीजें सिखाती है, और यही सारे काम उन आश्रमों में होते थे जो प्राचीन काल में जहां लोग शिक्षा लेने जाते थे। और आज जो नई शिक्षा नीति है, यही आत्मनिर्भर विद्यार्थी बने उसके आधार पर वो शिक्षा नीति का एक स्वरूप तैयार किया गया है। निश्चित रूप से निकट भविष्य में इसका लाभ सभी को मिलने वाला है इस शिक्षा नीति का, क्योंकि अब हम प्राइमरी स्टेज से बच्चे में कौन सा हुनर है उस हुनर को पहचान के आगे बढ़ाने वाली बात। नहीं तो क्या है, आप कोई भी शॉर्टकट अपनाएंगे तो छोटे समय के लिए आपको लाभ हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक आपको यदि रन करना है, आगे बढ़ना है, तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है और आत्मनिर्भरता ही जीवन की कुंजी है किसी भी क्षेत्र में। रामायण में भी आता है कि सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। सारे पदार्थ भारत में, ये कोई आज की पोजीशन नहीं है कि हम आज लॉकडाउन या परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्या आर्थिक जीडीपी और इनकी सब बातें हो रही हैं। जिस समय अटल जी ने परमाणु बम का प्रयोग किया था, उसका प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया था, उसका अनुसंधान किया था, उस समय पूरे विश्व ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत का क्या हुआ, विश्व परेशान हो गया, तो उनकी रोजी रोटी की समस्या हो गई। अभी पाकिस्तान ने भी प्रतिबंध लगाए भारत पर, परेशान वो हुआ, उसको खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि भारत में ये सारी ऋतुएं, सारे फल, सारे संसार की जो चीजें हैं, सारी वनस्पतियां, सारे खनिज पदार्थ भारत में उपलब्ध है, तो हम पे किसी भी तरीके से कोई चीज की कमी नहीं है, सकल पदार्थ है जगमाई, पर कर्महीन नर पावत नाही, जो कर्महीन है उसको इसका कोई लाभ नहीं होता। तो हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। हम परिस्थितियों का रोना रो, साहब नौकरी नहीं लगी, अरे साहब ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, वो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल है, उस स्किल को पहचानने की आवश्यकता है, तो आप निश्चित रूप से परेशान नहीं होंगे, निश्चित बिल्कुल ये धन है कि आप बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं वो सारी की सारी पहचान हमें ये कैंप, इस तरह के जो कैंप है राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी गतिविधियां ये सिखाती हैं। अगर आपके कार्यक्रम अधिकारी ने आपसे कहा है कि हमें आज वृक्ष गंगा रैली निकालनी है, तो पूरे मनोयोग से उस प्रसन्नता के साथ उस वृक्ष गंगा रैली का आनंद लीजिए। हम शिविरों में बिना चुपड़ी खाना खाते हैं, जमीन पर सोते हैं, और ऐसा केवल विद्यार्थियों के लिए रूल नहीं है, शिविरार्थी प्रत्येक, चाहे वो टीचर हो चाहे वो बच्चा हो, सारे के सारे उसी नियम का पालन करते हैं, जबकि उनके लिए सुविधाएं हैं,
वे चाहे तो जा सकते हैं लेकिन नहीं जा सकते, क्योंकि यही एनएसएस का वास्तविक स्वरूप है कि हम किसी के कहने से या किसी को बताने के लिए काम नहीं करते हैं। हम जो काम करते हैं वो अपने आत्म अनुशासन के आधार पर करते हैं, और ये भी तय है कि अनुशासन ही सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल अनुशासन में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुशासन का पूरी तरह से पालन करे तो आने वाली कोई भी कठिनाई जो समाज में है वो होगी ही नहीं, ये बिल्कुल डेफिनेट है। प्राचीन भारत में हर व्यक्ति के काम निर्धारित थे, और जब एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था तो सारा काम बढ़िया चलता था। हालांकि बहुत सारी लंबी बातें हैं, मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास निकल आता है, कभी अपन जब वैसे मिलेंगे एनएसएस के माध्यम से तो बहुत चर्चा करेंगे, आपकी जो जिज्ञासाएं होंगी उनके जवाब भी देंगे। लेकिन हम अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे लोगों की संगत करें। अब ये समस्या ये है कि अच्छा कौन है, इसकी परिभाषा कौन करेगा, कौन कहेगा ये अच्छा है ये बुरा है, तो वो भी हमें ही स्वयं को कहना है। हमारे अंतर मन से आवाज आती है, यदि कोई भी व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो वो अपने बड़े से, पिता से, माता से, भाई से छिपा के पी रहा है। क्यों पी रहा है? क्योंकि वो जानता है ये काम गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। यानी आपके अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो आपको आगाह कर रहा है कि सिगरेट पीना गलत बात है, तंबाकू खाना गलत बात है, लेकिन फिर भी आप खा रहे हैं उसको इग्नोर करके। तो आपके अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो आपको आगाह कर रहा है, और यही व्यक्ति जो आपके अंदर है वो आपको बताता है कि क्या सदमार्ग है और क्या गलत मार्ग है। तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे उसी स्थिति में जब आप स्वयं आत्म मूल्यांकन करेंगे। सम्राट अशोक भी यही कहता था, उसने अपने धर्म अभिलेखों में लिखा है, आत्मनिवेदन आत्म परीक्षण, सेल्फ असेसमेंट करो अपना स्वयं। और बुद्ध की वो बात जिसको अशोक आगे फॉलो करता है कि अत्यदीपा देहरथ, अपने लिए स्वयं प्रकाश बनिए, कोई आपको तौर से दिखाने वाला नहीं है, और यदि आप कभी पराजित भी हो जाते हैं नो प्रॉब्लम, उससे घबराने की भी आवश्यकता नहीं। कभी न गिरने वाले से गिरकर उठने वाला श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसको ठोकर का एहसास रहता है। दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। इन सारी कहावतों में जीवन दर्शन है भारत का, और यदि हम इस जीवन दर्शन को लेके अपने विषय की तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे, मैं ये दावा करता हूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो लाभ है वो अपने जीवन में आप सतत महसूस करेंगे, सतत। इसी मंच से आप शायद जानते हो, मेरा मित्र है आशुतोष राणा, फिल्म कलाकार है, कई फिल्मों में आया है। इसी मंच से उसने ड्रामा कर करके आज इतना बड़ा कलाकार, वो सागर यूनिवर्सिटी से था, मैं जीवा यूनिवर्सिटी से था, और जब हम दिल्ली गए थे गणतंत्र दिवस परेड में तो वो फ्री समय में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन कैसे होता है इसकी तैयारी के लिए लगा रखा, क्योंकि उसको वो क्षेत्र चुनना था। आज वो इतना सफल कलाकार। तो कोई व्यक्ति इसी माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना में ऐसे तमाम चीजें हैं, तमाम काम है, उन कामों को पूरे मनोयोग से यदि लेता है तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र के लिए उपलब्धि की बात होगी और उसके अपने लिए भी उपलब्धि की बात होगी। और ये मैं दावा करता हूं कि जो व्यक्ति, जो बच्चा राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा हुआ है उसके परिवार वाले भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। पहले मैं जब अगर समय हो गया हो तो मुझे थोड़ा सा प्लीज इशारा कर देना, तो मुझे थोड़ी बोलने की आदत है, एक छोटा सा उदाहरण जरूर दूंगा फिर बात को अपनी समाप्त करूंगा। तो मैं पहले देखता था हमारे पिताजी या बड़े भाई साहब आए इसको पाफ करते थे टॉयलेट, तो मैं कहता कैसे आदमी कैसे कर लेते हैं इतना गलत काम, बेकार काम, और मैं इग्नोर करके चला जाता था। लेकिन जब मैं राष्ट्रीय सेवा योजना में आया और जब हमने कछुआ गांव में उस गंदे नाले की सफाई की पूरे आनंद के साथ, तब मेरे मन में ये भाव आया कि ये काम तो पिताजी वगैरह भी करते हैं यार, तो मैं अपने घर का करूंगा। बस वो दिन है और आज का दिन है, मैं आज भी अपने बाथरूम स्वयं साफ करता हूं दोनों, और मुझे दूसरे के पसंद भी नहीं है। पूरे मनोयोग से जो काम आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पूरे मनोयोग से, भोजन कर रहे हैं पूरे मनोयोग से, किसी चर्चा में बैठे हैं पूरे मनोयोग से, अधूरे मन से नहीं। यदि आप कोई काम अधूरे मन से करेंगे आप प्रॉपर सफल नहीं हो पाएंगे। और एक बात बता दूं,
कि केवल नौकरी मिलना सफलता का आधार नहीं है। ये फिर कह रहा हूं, कबीर के पास कौन सी नौकरी थी, तुलसीदास के पास कौन सी नौकरी थी? कभी भी पैसे की पूजा नहीं होती, किसी पैसे वाले का कोई मंदिर नहीं, व्यक्ति की और विचार की पूजा होती है, और विचार से व्यक्ति महान होता है। चाहे स्वामी विवेकानंद हमारे हो, महात्मा गांधी हो, अंबेडकर जी हो, मोदी जी हो, कोई हो, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व हमेशा प्रशंसनीय और पूजनीय होता है। एक बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ा भारत का औद्योगिक घराना है, शायद हम जो मोबाइल भी उसी के माध्यम से चला रहे हो, लेकिन उस दो भाई, एक कहां पहुंच गया, उसकी सब संपत्ति बिक गई, भाई के मकान में किराए से रह रहा है, और दूसरा भाई, दोनों को बंटवारा हुआ। रामायण में इसका भी उदाहरण है, एक तात के विपुल कुमारा, पृथक हो गुरुशील उचारा, को धनवंत सूर्य को दाता। तो एक ही पिता के पुत्र हैं, परवरिश एक सी हुई, संस्कार एक से गए, लेकिन एक कहां है और दूसरा कहां है। अब इसमें पिता का दोष नहीं है, माता का दोष नहीं है, शिक्षक का भी दोष नहीं है। तो शिक्षक तो पूरी 40 बच्चों की 80 बच्चों की क्लास में एक साथ पढ़ा रहा है, एक साथ ज्ञान दे रहा है। अब आप अपनी कैपेसिटी से कितना ले रहे हैं, उस समय आप कितने ईमानदार हैं, वो महत्वपूर्ण है, और वही आपको आगे सफलता दिलाएगा। तो मैं बहुत बोल लिया हूं, अगर कुछ बात गलत किसी को लगी हुई तो मैं सभी से विनम्र क्षमा चाहूंगा। आपने आज मुझे इस वेद माध्यम से पीजी महाविद्यालय के विद्यार्थियों से चर्चा करने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार पाटिल जी, आभार पांडे जी, आप सभी वरिष्ठ जनों का मैं आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपका दोतन प्राप्त करके बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और बच्चों को जरूर वो लाभान्वित हुए होंगे। और मैं प्राचार्य जी आज हमारे बीच मौजूद है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी कुछ दो शब्द कहें। प्राचार्य जी धन्यवाद। प्रशांत जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं वक्ता श्री मनोज अवस्थी जी, जोधपुर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुनील पाठक जी, वर्तमान महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी प्रशांत पांडे जी, कमल जी एवं अन्य प्राध्यापक एवं सभी शामिल हुए श्रोता विद्यालय, ये वास्तव में बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम इस वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। ये संक्रमण काल की ही देन है कि हम दूर रहते हुए भी संचार माध्यम के द्वारा और इन नई नई ऐप्स के जरिए एक दूसरे के साथ ना ही हम वार्तालाप कर पा रहे हैं, वरन एक दूसरे को साथ में एक दूसरे के फोटोज भी देख रहे हैं, वीडियोज भी देख पा रहे हैं। माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आई, मैं दोबारा फिर से बोलूंगा। सुन माइक के माइक में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आई है। हां डॉक्टर सुनील पाठक जी, वर्तमान कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रशांत पांडे जी, कमल जी जैन जी, अन्य प्राध्यापक बंधु एवं सारे विद्यार्थियों, ये हमारा हर्ष का विषय है कि आज हम सब लोग यहाँ पर एक साथ एकत्रित हैं इस वेबिनार के माध्यम से। ये संक्रमण काल के देर हैं, जैसा कि मनोज जी ने बताया कि शायद हम लोग वर्षों में कभी एक दूसरे के साथ मुखातिब नहीं हो पाते, हम लोग वार्तालाप नहीं कर पाते, परंतु इस काल में इन संचार माध्यमों के द्वारा
और टेक्नोलॉजी के जरिए हम सब लोग एक साथ सभी लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, ना ही संवाद स्थापित कर रहे हैं वरन एक दूसरे का वीडियो भी एक साथ देख पा रहे हैं, वार्तालाप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आमने सामने बैठ के बातचीत की जा रही है। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा मनोज जी का और धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रशांत जी के एक निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और तुरंत अपनी स्वीकृति प्रदान की इस कार्यक्रम के अतिथि बनने के लिए और मुख्य वक्ता बनने के लिए। मनोज जी ने इतिहास से शुरू करके भारत की जो पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में बताया, जिस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे उदाहरण देख करके हमारे भारत की स्थिति को आपके सामने प्रदर्शित किया और रखा, वो वास्तव में साधुवाद के लिए है। आज का जो विषय है कि एनएसएस की भूमिका आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एनएसएस की भूमिका वास्तव में एनएसएस क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना, माफी चाहूंगा, राष्ट्रीय सेवा योजना, सेवा योजना का सीधा सा मतलब है कि हम सब उस योजना के साथ जुड़े हैं जिसमें हमारे अंदर एक सेवा का भाव आए। सेवा का भाव अंतर्मुखी भी हो सकता है, हमारे अंतःकरण से आ सकता है, अथवा हम देख करके भी उस भाव को सीख सकते हैं। यह मंच हमें अलग अलग तरीके से हमें समाज की सेवा किस प्रकार से करनी है यह सिखाता है। हम चाहे किसी गांव को ले लें, चाहे शहर को ले लें, अपने मोहल्ले को ले लें, अपने पड़ोस को ले लें, या सिर्फ को ही क्यों ना मिले। जैसा कि मनोज जी ने भी कहा कि हम सेवा भाव अगर अपने अंदर रखते हैं, चाहे वो दूसरे की सेवा हो या स्वयं की सेवा, हमारे अंदर एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर हम व्यक्तित्व का निर्माण हम कर पाते हैं जिसके अंदर हमें बहुत सारी कलाएं सीखने को मिलती हैं, कार्य करने की क्षमता, वक्तृत्व की क्षमता, बोलने की क्षमता और सबसे बड़ी बात है सुनने की क्षमता, ये सारी की सारी चीजें जो है धीरे धीरे प्रयासों के साथ में रोजमर्रा एनएसएस के कार्यक्रम में भाग लेते लेते हम लोग सीखते चले जाते हैं, अपने मन के अंदर उतारते चले जाते हैं। अगर हम कहें कि राष्ट्र का निर्माण, तो राष्ट्र का निर्माण मतलब कि सबसे पहले हमें अपने प्रदेश का निर्माण, समाज का निर्माण, अपने गली मोहल्ले का निर्माण और हमारे स्वयं का निर्माण। अगर हम उल्टे क्रम में बोलें, अगर हमारा स्वयं का निर्माण हुआ तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने अपने आसपास को निर्माण किया, हमने अपने समाज का निर्माण किया और डेफिनेटली देश का निर्माण किया। अब जो भी विद्यार्थी आप जब तक पढ़ रहे हैं तब एक ज्ञानोपार्जन करते हैं, आप विभिन्न प्रकार की क्वालिफिकेशन एक्वायर करते हैं और उसके पश्चात जब समाज में जब जाते हैं व्यवहारिक रूप से, तब वास्तव में आपका व्यवहारिक ज्ञान ही आपके कार्य आता है। और व्यवहारिक ज्ञान जब सामने आता है तो आपकी पर्सनैलिटी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है कि आपने अपने जीवन में क्या उतारा, जो कुछ उतारा है वही आप समाज को दे पाते हैं, चाहे वो अपने सेवा के माध्यम से हो, नौकरी के माध्यम से हो अथवा किसी इंडस्ट्री को लगा के एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, क्योंकि आप सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं एनएसएस के माध्यम से। इसका सीधा सा मतलब कि जीवन के प्रत्येक अवसर पर आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। मनोज जी ने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया था भोजन बनाने का। अगर वास्तव में आपको भोजन बनाना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपको बर्तन कौन से चाहिए, मसाले कौन से चाहिए, उसमें किस ऑर्डर में उन मसालों को सब्जी के अंदर डालना है अथवा किस प्रकार की रोटी अथवा अन्य सामग्री उसके अंदर डालनी है। प्लानिंग है जो कि रोजमर्रा के जीवन में हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी माताएं बहनें अथवा हम स्वयं भी ये कार्य करते रहते हैं। अगर हमारी प्लानिंग नहीं है तो किसी दिन मालूम पड़ेगा घर के अंदर नमक नहीं है, किसी दिन मालूम पड़ेगा शक्कर नहीं।
ये सारी चीजें जो प्रैक्टिस है वो एनएसएस के माध्यम से आपके अंदर कूट कूट के भरी जाती है। और अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर हम सीखते जाएंगे, लोगों के संपर्क में आते जाएंगे, तो हम अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से करेंगे जिंदगी की। फिर चाहे किसी भी क्षेत्र में हम आगे जाएं, हम डेफिनेटली उस क्षेत्र में विजयी होंगे। ये एनएसएस की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। एनएसएस के अंदर जो जो विद्यार्थी इसके अंदर रहता है वो कुछ ना कुछ बहुत सीख के जाता है, और यही मेरी उम्मीद है। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी हमेशा लाभ उठाते रहेंगे, एनएसएस के साथ जुड़ते रहेंगे। मेरी आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अंत में कार्यक्रम की समाप्ति पर मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर मनोज कहता हूँ कि वे आज इस कार्यक्रम में जुड़े और हमें आत्मनिर्भरता का सही क्या मायने होते हैं इसके बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में जुड़े सभी वेबिनार छात्र छात्राएं एवं कर्मचारी प्राध्यापकों को धन्यवाद करना कि वे इस कार्यक्रम में जुड़े और सभी का बहुत बहुत और इसको अब आप लैपटॉप पर सकते हैं सबको प्रणाम। मनोज जी मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिल्कुल मनोज जी बहुत अच्छा उद्बोधन, प्रेरणादायी उद्बोधन, बहुत अच्छा। अरे मैदान में तो कुछ नहीं हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ। कई चीजें बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और बच्चों को सीखना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या कोई काम दे रहे है कि कोई छोटा नहीं है।